बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 सीट मिली है। हमको गया सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को काराकाट सीट दी गई है। इसका ऐलान 18 मार्च को दिल्ली में किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को 1 सीट नहीं दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे कर चिराग पासवान को क्यों चुना? चिराग को बीजेपी ने चाचा पशुपति पारस से भी ज्यादा तवज्जो क्यों दी? साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी के हिस्से में 6 सीटें आई थी। तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ गई। एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस का बना। साल 2021 में एलजेपी में टूट होने के बाद पशुपति कुमार पारस का धड़ा बीजेपी के साथ था और वो मंत्री पद पर थे। चिराग पासवान अकेले रह गए थे। पशुपति पारस को दलित वोटों से उम्मीद थी, लेकिन चिराग ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला। यात्रा के दौरान चिराग ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि पार्टी तोड़ने वालों को विश्वासघाती बताया। इतना ही नहीं, चिराग भले ही एनडीए में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी बीजेपी पर बड़े हमले नहीं किए। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताया। चिराग ने ये भी कहा था कि पीएम उनके दिल में बसते हैं। चिराग ने पूरे सब्र के साथ इंतजार किया और बीजेपी को समझाने में कामयाब रहे। पिछले साल जुलाई में चिराग पासवान दोबारा एनडीए में आ गए थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 सांसद रहे हैं। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते उन्होंने साल 2000 में अपने खुद की लोक जनशक्ति पार्टी भी बनाई। बिहार से निकलकर रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई। जब वो केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया। इससे उनकी छवि काम करने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग ने दावा ठोक दिया। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हैरानी वाली बात है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को 1 सीट नहीं दी गई। माना जा रहा है कि ये सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। पशुपति पारस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए उन्हें समस्तीपुर सीट देने को तैयार थी, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर की जिद पर ही अड़े रहे और आखिरकार यही जिद उन पर भारी पड़ गई। अब सवाल है कि चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस से भी ज्यादा बीजेपी से तवज्जो कैसे मिली? दरअसल पार्टी में टूट के बाद माना जाता था कि चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। हालांकि बाद में चिराग ने बीजेपी को लेकर संतुलित रवैया अपनाया। बीजेपी से दूर रहकर भी चिराग पासवान ने राजनीतिक चतुराई का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से ही वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। ये सिलसिला कुछ ही दिन पहले वैशाली में हुई चिराग पासवान की रैली तक चलता रहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी कोई मोर्चा नहीं खोला। इस दौरान चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखे। वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी दिखे और लालू प्रसाद यादव के साथ पारिवारिक रिश्ते की बात करते रहे। हालांकि चाचा पशुपति पारस से तलखी और उनके केंद्र सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी चिराग ने बीजेपी से अपना नाता पूरी तरह नहीं तोड़ा और कभी आरजेडी के खेमे में नहीं गए। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट है। पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब 6% वोट है और इसमें बड़ा हिस्सा पासवान वोटरों का है। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस के गुट ने भले ही कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कई मौकों पर चिराग पासवान ने साबित किया कि एलजेपी के परंपरागत वोट उनके पास हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।